यदि मुझे तितलियों की भाषा आती तो मैं उनसे कहता कि तुम्हारी पीठ पर जाकर बैठ जाए और बिखेर दे अपने पंखों के रंग जहां जहां मेरे चुंबन की स्मृतियां शेष बची हैं, ताकि वो जगह इस जीवन के अंत तक महफूज रहे, महफूज रहे वो हर एक कविता जिन्होंने अपनी यात्राएं तुम्हारी रीत से होकर की, जिनकी उत्पत्ति तुमसे हुई और अंत तुम्हारे प्रेम के साथ। यदि मौन की कोई साहित्यिक भाषा होती तो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अभिव्यक्त की कक्षा में पहला स्थान पाता, तुम्हारी आंखों से सीखे हुए मौन संवाद पर लिखता एक लंबा सा निबंध, इतना लंबा कि वो निबंध उपन्यास बन जाता और हमारा प्रेम एक जीवंत मौन कहानी। मुझे हमेशा से आदमजात के शब्दों में शोर महसूस हुआ है। तुमने बताया कि प्रेम और भावनाओं की भाषा उत्पत्ति से मौन रही और तुम उसी मौन से होकर मेरी हर कविता का हिस्सा बनी।